जा रहे हैं, जो बॉडी सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं उसमें भी हम लोग इस पर एक्सपेरिमेंट करके उसका पाउडर बना रहे हैं। उसका एक अच्छा फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में मखाना महोत्सव की शुरुआत हुई है। राजधानी पटना के ज्ञान भवन मखाना महोत्सव मनाया जा रहा है। बिहार के कोने कोने से जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी प्रोवाइडर्स हैं, जो मखाना की खेती कर कर लोगों के बीच पहुंचाते हैं, तो देखिए ये तस्वीर हम आपको ज्ञान भवन से दिखा रहे हैं कि कितने सारे स्टॉल्स जो हैं वो लगे हैं। और बिहार में ख़ास तौर पर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और लगातार बिहार सरकार प्रयास करती है, छोटे छोटे जो भी कारीगर हैं या फिर जो भी खेती करते हैं तो उनको बढ़ावा देने के लिए लगातार बिहार सरकार के तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। हैंडलूम की अगर हम बात करें तो हैंडलूम मेला भी लगाया जाता है। और एक बार देखिए कि मखाना महोत्सव जो है वो पहली बार बिहार में इतने अच्छे से मनाया जा रहा है। जो भी दूर दूर से लोग हैं जो मखाना की खेतियां करते हैं वो पटना पहुंच गए हैं और पटना में एक प्रदर्शनी यानी अलग अलग तरीके के मखाना के वैरायटीज़ हैं। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए भी अलग अलग वैरायटीज़ में, अलग अलग फ्लेवर्स में मखाना इस बार पहली बार, आप भी नहीं देखे होंगे कि जितने वैरायटीज़ में मखाना आते हैं बिहार में, तो आज हम आपको इस वीडियो में वही दिखाएंगे और दिखाएंगे कि आज सुबह में बिहार के कृषि मंत्री के द्वारा आज इसका उद्घाटन किया गया। और देखिए यहाँ पर तमाम स्टॉल्स हैं। एक स्टॉल हम आपको दिखाएंगे कि बहुत सारे वैरायटीज़ में जो मखाना होते हैं वो अवेलेबल है। हम बात करेंगे यहाँ पर जो स्टाफ से, उनसे बात करेंगे कि कैसे कैसे वैरायटीज़ में मखाना यहाँ पर अवेलेबल है। क्या नाम है सर आप? गौरव सिन्हा नाम हुआ सर। गौरव सिन्हा, खड़े हो जाइएगा एक बार और ज़रा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि क्या क्या है आपके पास। एक्चुअली सर, मखाना के कुछ फ्लेवर आइटम्स हम लोग मार्केट में लाए हैं, जो कि सर हम लोग जस्ट लाइक स्नैक्स का जो रिप्लेसमेंट के लिए एक तरीके से लाए हुए हैं। जो मार्केट में जो जंक फूड है, आज कुछ ऑप्शन उसमें नहीं था, आज उसी को देखते हुए आज हम लोग चार फ्लेवर में लाए हुए हैं, जिसका ये पहला हमारा ये चीज़ी फ्लेवर है, चीज़ी मसाला। एंड आफ्टर डैट ये दूसरा हमारा पुदीना फ्लेवर का है, जो आपको 100 ग्राम के जार में भी है, 75 ग्राम के जार में भी है। ये एक टेंगी लाइम है जिसमें लेमन का हम लोग फ्लेवर इसमें दिए हुए हैं, यानी टेस्ट का भी ध्यान रखा गया है और हेल्थ का भी ध्यान रखा गया है। बच्चों के लिए खास तौर पर जो बच्चे लेस खाते हैं, कुरकुरेस खाते हैं, थोड़ा है कि स्पाइसी खाना है उनके लिए, ये हमारा पेड़ी पेड़ी प्रोडक्ट। अच्छा, मखाना में भी पेड़ी पेड़ी है? पेड़ी है। इसमें भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और भी जैसे चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए जिम वगैरह जा रहे हैं, जो बॉडी सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं उसमें भी हम लोग इस पर एक्सपेरिमेंट करके उसका पाउडर बना रहे हैं। कहते हैं कि मखाना बिहार की आन बान शान। आन बान शान, सही बात। यस सर, इसको हम लोग प्रूफ करके दिखा रहे हैं और उस तरीके का सपोर्ट भी, अब रिस्पांस भी आ रहा है, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिल रहा है। प्लस ये आप देख सकते, प्लस लोगों का जो बाइंग कैपेसिटी, एक मेंटेलिटी बैठा हुआ है कि मखाना जो एक प्रीमियम प्रोडक्ट है और बहुत महंगा मिलता है। हाँ, एक ये माइंड में बैठ चुका है लोगों का, ठीक है कि इसका बेनिफिट्स तो है, लोग जान रहे हैं, लेकिन थोड़ा कॉस्टिंग का ये है। तो बाइंग कैपेसिटी को भी देखते हुए सर इसको हम लोग पाउच में भी लाए हुए हैं कि मान लीजिए हर तरीके के लोग इसको ये ले सकते हैं। जैसे आप लेज कुरकुरे खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसका एट द एंड जो है शरीर पे आपको बैड इफेक्ट है, लेकिन ये किसी भी माध्यम में जा रहा है शरीर में, तो समझिए इसका आपको बेनिफिट है, टेस्ट भी है, हेल्थ भी है। और भी लोग हैं, बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, ये आप लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? जी, हम लोग का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सुपौल में, और हम लोगों के 700 एकड़ की खुद की फार्म है। ये एकदम प्योर ऑर्गेनिक हम लोगों का काम है और हम लोग खुद मैन्युफैक्चरर भी हैं और खुद किसान भी हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार में मखाना महोत्सव मनाया जा रहा है, तो आप लोगों में कितनी खुशी है कि भाई अब सरकार भी आपकी बात को देख रही है या फिर सुन रही है, स्टॉल मिला है आपको? हमें बहुत खुशी है कि सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, प्रमोशन कर रही है, और हम चाहते हैं कि और इसको प्रमोशन मिले, लोगों को अवेयरनेस हो कि मखाना क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है। बहुत सारे लोग जो बिहार के बाहर रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, बिहार से जुड़े हुए होते हैं, वो मखाने के बारे में जानते ही नहीं। जी जी, वो क्योंकि प्रमोशन ऐसा किया नहीं गया कभी सरकार की तरफ से भी, लोगों ने अवेयरनेस कहीं नहीं है, इसीलिए लोगों के रिस्क से बाहर रही है मखाना हमेशा। लेकिन अब गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे रही है और अब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें यहाँ पर, लोग जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को कि आप लोग कुछ अलग कर रहे हैं। जी जी, बच्चों के लिए तो ये खास तौर पर बहुत अच्छा है। हाँ, बच्चों के लिए भी है और जो हर एज ग्रुप के लिए है, जैसे मान लीजिए जो पेशेंट है डायबिटीज़ के, मखाना का उसमें भी यूज है कि इंसुलिन बना रहा है। प्लस जैसे हमारा खीर का भी आइटम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, खीर मिक्स है जो रेडी टू ईट रहेगा, आप उसको गर्म पानी या गर्म दूध में उसको सैसे को आपको वो देना है,
उस तरीके से वो खीर हमारा तैयार हो जा रहा है। प्लस और भी चीज़ जैसे बेबी प्रोडक्ट वगैरह पे भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। लोगों को पसंद आता है टेस्ट? बहुत ही अच्छा सर रिस्पांस है। तो लोग जानते थे कि भाई बस नमक डालिए, उसको घी में फ्राई कीजिए और खाइए रोस्ट। और हमारा ये रोस्ट मान लीजिए फ्राई नहीं किया हुआ है, क्योंकि इसमें एक ये लॉजिक है, क्योंकि हम लोग इस पर लैब वगैरह का भी हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट पूरा समय दिया है कि जैसे ही आप इसको मखाना को ये करते हैं फ्राई करते हैं तो उसका जितना भी बेनिफिट्स है वो आपको बर्बाद हो जाता है। तो लेकिन हम लोग जो इसमें जो एडवांस हमारा मशीनरी है, एडवांस मशीनरी का हम लोग यूज किए हैं और उसको रोस्ट किए हैं सर। रोस्ट करने से जो है कि उसका जो भी आपको प्योरिटी रहता है प्रोसेस में, जो भी बेनिफिट्स हैं वो बना रहता है। आप लोगों को जीआई टैग मिल गया? हाँ, जीआई टैग हम लोग मिल गया है सर, इधर ही हम लोग बेनिफिट मिल रहा है। अभी उस तरीके से गवर्नमेंट से सर उस तरीके का सपोर्ट भी नहीं है। जैसे ये मखाना ही महोत्सव है, राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसको उस तरीके से सर बिहार गवर्नमेंट प्रमोशन नहीं की है सर। अगर उस तरीके से रहता तो जो रिस्पॉन्स है ये और भी ज़्यादा होता, लेकिन एक उम्मीद के साथ हम लोग ये सर लगे हुए हैं, क्योंकि एक इनिशिएटिव भी अपना हमारी कंपनी जो सत्यार्पण है वो रन कर रही है कि हम लोग जंक फूड को रिप्लेस कर रहे हैं सर और मार्केट में एक ऑप्शन दे रहे हैं लोगों को। सर ये मखाना बीटा है आजकल जो मार्केट में कम प्लांट्स है, बॉर्नविटा है, हॉर्लिक्स है, अगर उनसे बात करें उन प्रोडक्ट्स की न्यूट्रिशन वैल्यू की और इसकी कंपेयर करें तो ये 40% से ज़्यादा इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है। इसकी बात करें कि जापान और चाइना में वहाँ की गवर्नमेंट ने अंडर 15 एज की जितने भी बच्चे हैं वहाँ उनको मैंडेटरी कर रखा है हर दिन डाइट में लेने को मखाना। हाँ जी, ये यहाँ की प्रोडक्ट है, वहाँ जाके लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं अपने बिहार में और यहाँ से क्यों नहीं दुनिया में फैला सकते हैं? क्या आपके पास इसी मखाना खीर है जो कि आजकल लोग नूडल्स खाते हैं रेडी टू ईट जो कि 2 मिनट में रेडी हो जाता है, हम उसके कंपेयर में एक मखाना खीर लेके आए हैं जो कि 2 मिनट्स में रेडी हो जाएंगे। ये बस गर्म दूध डालिए और रेडी हो जाएगा, ये डालिए और खा जाइए। हाँ जी, हाँ जी। कितना वैल्यूएबल है और कितना इसमें न्यूट्रिएंट्स रहता है, विटामिन्स रहता है मखाना में, चूँकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते ये सर। सर इसकी बात करें न्यूट्रिशन की तो लाइक और भी ड्राई फ्रूट से अगर कंपेयर करें तो ये बहुत ही सर्वोप्रिय है। इसकी बात करें तो रॉ मखाना में प्रोटीन फाइबर्स वगैरह 10 ग्राम्स वगैरह 100 ग्राम्स के मखाना में मिल जाते हैं। और भी ड्राई फ्रूट्स के मुकाबले में जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है। बनते कहाँ हमारे? हाँ, ये बनते कहाँ? ये हमारा सेटअप है दरभंगा में। दरभंगा में आपका पूरा खुद से उगाते हैं, खुद से बनाते हैं? खुद से लाइक किसान से हम बीज खरीदते हैं। ये बीज है? अच्छा, ये बीज है मखाना? हाँ जी, इसी से मखान निकलता है। अच्छा, देखिए तो ये बीज है और इसी से मखाना जो होता है वो निकलता है। हाँ जी। अच्छा, इसी तरह से आप लोग? हाँ, अभी हम लोग फुल लाइक वैल्यू एडिशन पे काम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वैल्यू एडिशन? हाँ। क्या लगता है लोग आ रहे हैं देखने के लिए? हाँ, लोग एक्चुअली पसंद भी कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं यहाँ की वो खुद भी इनफैक्ट लेके 10-10, 15-15 डब्बा लेके गए हैं, तो ये मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। जो भी मैंने इनिशिएटिव लिया उसका एक अच्छा फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। किस तरह से, जिस तरह से बच्चे जो होते हैं दूध में मिलाकर बॉर्नविटा पीते हैं, कॉम्प्लान हॉर्लिक्स पीते हैं, तो उसी के तर्ज पर बिहार की आन बान शान जो मखाना होती है खासकर दरभंगा में इसे पाया जाता है और दरभंगा में ज़्यादातर खेती जो होती है मखाना की वो होती है। तो देखिए ये बॉर्नविटा है, इसे पीजिए, दूध में मिलाकर अपने बच्चों को दीजिए, आप भी पीजिए और अपना बॉडी बनाइए। ये हार्मफुल तो नहीं होता होगा? बिल्कुल भी नहीं, हमारा सर एक स्लोगन भी है। इनफैक्ट हमारे पीएम साहब बोलते हैं कि मेड इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड, हम लोग बोलते हैं मिथिला में मेड इन मिथिला एंड मेड फॉर द वर्ल्ड। मेड इन मिथिला मेड फॉर द वर्ल्ड? हाँ जी सर। चलिए तो देखिए किस तरह से तमाम वेराइटीज़ की जो मखाना है वो पटना पहुँची है और यहाँ पर प्रदर्शनी जो है वो लगा है, अलग अलग तरीके की बच्चों के लिए, खास तौर पर जो बच्चे होते हैं जिस तरह से कुरकुरे लेज और अन्य अन्य तरीके के स्नैक्स खाते हैं तो उसी के तर्ज पर उसको दूर करने के लिए, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होता है ऐसा इन लोगों का कहना है, तो अलग अलग वैरायटीज़ के और अलग अलग फ्लेवर्स के जो भी मखाना होते हैं उसे बनाने की कोशिश इन लोगों के द्वारा की गई है। साथ ही साथ दूध में मिलाने के लिए जो प्रोडक्ट है वो भी बनाया गया है। अब देखना है कि लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं और इनके जो भी द्वारा बनाए गए जो चीज़ें हैं उसे खरीद कर जाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि चूँकि इनका कहना है कि लोग नहीं आ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो हम भी आपसे यही गुजारिश करते हैं कि बिहार की आन बान शान जो मखाना होती है उसे एक बार ज़रूर आकर देखिए, आपके नॉलेज में भी जहन में भी आएगा कि किस तरह से मखाना की खेती होती है, किस तरह से अन्य अन्य वैराइटीज़ की जो मखाना होते हैं वो भी मिलते हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही।
अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। सहयोगी प्रकाश कुमार के साथ रोहित वर्मा, लाइव सिटीज पटना।